बंगाल इलेक्शन में ग्रैंड एंट्री मारने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी है। मिठुंदा, जी हाँ मिठुंदा, वो भी अब कोवरा अवतार में आ गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट्स से, जी हाँ अपने ट्वीट्स से बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अमित शाह के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 200 प्लस सीटें जीतने जा रही है, 294 में से 200 प्लस। प्रशांत किशोर का दावा है कि बंगाल में बीजेपी को डबल डिजिट से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, यानी कि उनकी टैली 100 तक भी नहीं पहुंचेगी। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने जो 200 प्लस की बात कही है उसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है। प्रशांत किशोर की कैलकुलेशन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो भी इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में बताने के लिए बहुत बड़े माहिर हैं। तो अल्टीमेटली इन दो लोगों में से एक की बात पक्का साबित होने वाली है और एक की गलत। अगर हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी का बंगाल की बेटी वाला दाव चला तो बीजेपी को सचमुच 100 सीट जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं जय श्री राम वाला तीर चल गया तो समझो बीजेपी को 200 सीट पार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बंगाल में खेला होबे या विकास होबे, इंतजार कीजिए 2 मई का। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें।